ये कहानी एक ऐसी इम्पोर्टेंट और इतनी मोटिवेटिव कहानी है कि वो कहानी को याद करके मैं हर रोज थ्रिल मिलती है, मुझे हर रोज थ्रिल मिलती है। ये बात 2000 की एक घटना है। मैं जो काम करता हूँ वो लोगों के रेफरेंस लेके काम करता हूँ। एक मेरे बहुत ही अच्छे क्लाइंट, उनके पास में गया और फिर मेरे बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर है वो। उनको जब मैंने कहा कि आप अपने किसी मित्र और इनका नाम दीजिए, तो शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति एक हुआ करते थे जो उनके मित्र हैं। उनका इंडस्ट्रीज, उस टाइम इंडस्ट्रीज और रियल इस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस था शहर में, बिजनेस है भी। तो ये 2000 की बात है। उन्होंने उनसे मैंने उनका रेफरेंस लिया। मैंने कहा मैं फोन करता हूँ। मैंने मॉर्निंग में करीब 9 साढ़े 9 बजे उनको, तब फोन मोबाइल फोन नहीं होते थे, मैंने लैंडलाइन पे उनको फोन किया। मैंने कहा मिस्टर SSC, मैं किशोरीलाल शर्मा बोल रहा हूँ और मुझे आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा बताइए ना टेलीफोन पे क्या बात है। मैंने कहा बात कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट है कि किसी इम्पोर्टेंट किसी टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे आपके साथ बैठना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई इतनी इम्पोर्टेंट क्या है। मैंने कहा सर यदि 5 मिनट आप दे सकते हो, आपके एक मित्र और उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी है और डेफिनेटली जब मीटिंग खत्म होगी तो आपको मुझसे मिलके अच्छा लगेगा, मैं आपकी इम्पोर्टेंस के टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा आइए। मैं गया, उन्होंने कहा 11 बजे आइए आप। मतलब उन्होंने भी मुझे तुरंत टाइम दे दिया कि आप आ जाइए घर पे। मैं उनके घर पे गया, उनके साथ मीटिंग हुई, बैठे। मेरी जो मैंने चर्चा की कि मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ और जानते थे मुझे, वो भी जानते थे, और उन्होंने बीच में रोक के, वो शर्मा जी मैं 1 मिनट में आया, वो अंदर गए और फिर ड्राइंग रूम में दोबारा आ गए। हाँ शर्मा जी अब बताइए आप, मेरा लाइफ इंश्योरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी इंडस्ट्री है, मेरी इनकम 10, उस टाइम 2000 की बात कर रहा हूं, मेरी ठीक ठाक इनकम है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है और आप यदि 1-2 लाख रुपए का बीमा मैं करा भी लूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा। मेरा इंटरेस्ट में कोई इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे विश्वास है, मैं बीमा ईमा नहीं करता, ये फालतू की चीज है। और उन्होंने ये भी कहा कि शर्मा जी मुझे यदि ये पता होता कि आप इंश्योरेंस की बात करने आए हैं तो मैं आपको टाइम नहीं देता। मैं अभी जो अंदर गया हूं वो मैं अपनी वाइफ को चाय के लिए मना करने के लिए गया था। मतलब जब वो आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं चाय के लिए बोल के आया था कि 2 चाय भेज देना। बीच में जब मैं गया था तब मैं चाय के लिए मना करके आया हूं। तो उन्होंने कहा मैंने तो टाइम आपको इसलिए दे दिया कि आज फैक्ट्री से मेरा मुनीम मेरा कैश लेके बैंक में जमा कराने जा रहा था अभी, तो उसे लूट लिया किसी ने, वो पैसे छीन लिए हैं। तो मुझे लगा कि आप जो आने वाले हैं मुझे उसके बारे में कोई क्लू देने वाले हैं, मैंने तो आपको इसलिए टाइम दिया। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया कि मैं कोई बीमा ईमा लेने वाला नहीं हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपने जो यदि आप इतने इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे तो मैं फिर बाद में मिल लेता, लेकिन मेरा सजेशन सर ये है कि आपका जो अकाउंटेंट है, जो स्टाफ है, वो कितने रुपए तक लेके जाता है। कि नहीं, उसकी लिमिट 5 लाख है, यदि 5 लाख से ऊपर कोई कैश है तो सिक्योर गार्ड भी जाता है। और मैंने कहा सर जैसा आपने बिजनेस बताया है अपना, यदि कैश 25 और 50 लाख होता है तो कितों मैं खुद जाता हूं। मैंने कहा सर ये जो 3 लाख रुपए की आपके साथ लूट हुई है आपके मुनीम के साथ, ये कोई मायना नहीं रखते, आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन यदि किसी दिन 50 लाख रुपए जमा कराने जाना हो बैंक में और आप साथ में होंगे
और इस बात का क्लू, जैसे आज उन लोगों को पता लग गया कि आज ये मुनीम 30 लाख रुपए लेके जा रहा है और उनको पता लग गया कि ये 50 लाख रुपए लेके खुद जा रहे हैं, तो यदि कोई व्यक्ति वो पैसे छीनने की कोशिश करता जैसा कि ये घटना हो चुकी है, तो आप उसे रोकने का प्रयास करते कि बिल्कुल मेरा पैसा है, हार्ड मनी है? मैंने कहा सर ये पैसे है ना, एक 3 लाख चले गए, 30 लाख चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। यदि आपने वो प्रयास किया होता, ये आप हैं तो पैसे और कई कमा सकते हैं आप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती या हो गई, तो आपने फैमिली के लिए क्या प्रोविजन रखे हैं, क्या रेगुलर इनकम के लिए आपने अरेंजमेंट किए हैं? सर मुझे ये घटना एक एक शब्द क्लाइंट का याद है। आप, मैंने कहा आपने क्या अरेंजमेंट किया यदि कोई ऐसी घटना हो गई तो? अब उन लोगों को ये पता लग गया कि आपकी फैक्ट्री से काफी पैसा जाता है। सर उस व्यक्ति ने, मैं अपना बैग बंद कर रहा था, मैं 2000 में भी लैपटॉप यूज करता था, मैं बैग बंद कर रहा था, उन्होंने कहा शर्मा जी बैठिए, प्लीज बैठिए, आप कौन कौन से इंश्योरेंस करते हैं? मैंने कहा सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस करता हूं। उन्होंने कहा क्या होता है इसका सिस्टम? मैंने कभी लाइफ में LIC को सुना ही नहीं है। बैठिए शर्मा जी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं LIC में विश्वास नहीं करता, लेकिन LIC को इस तरीके से किसी ने बताया ही नहीं कि आप इसमें प्रीमियम देते हो और क्या कवर होता है, मुझसे किसी ने आज तक टाइम नहीं मांगा। उन्होंने कहा वो पहले मैं जा रहा हूँ शर्मा जी, मैं वाइफ को चाय के लिए मना करके आया हूँ, पहले चाय पियेंगे मैं और आप, मैं बीच में मना करने गया था। सर उस टाइम मैंने उनको पॉलिसी बताई, वो पॉलिसी लास्ट ईयर 2019 में उन्होंने बेटी की मैरिज के हिसाब से उस पॉलिसी को समझाया। जब मैं सर उनके उसी दिन उनकी लूट हुई थी उनके स्टाफ के साथ, और वो सारा मैटर भूल के 2.5 घंटे उन्होंने मुझे इंश्योरेंस पे सुना कि, और अपने बच्चों के लिए सर पहले ही दिन उनसे 2000 में 14,12,000 रुपए के चेक लेके आया, जिसमें उनकी लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों के एजुकेशन और मैरिज के प्रोविजन, और ही जे वो मेरे बहुत ही सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। वो मेरी पहली पॉलिसी थी 14,12,000 रुपए प्रीमियम की। उस फैमिली से आज मैं इस छोटे से शहर में 53 लाख रुपीज प्रीमियम लेता हूँ, 53 लाख पर एनम रेगुलर प्रीमियम देता हूँ, और पॉलिसी हर साल मैच्योर पूरी प्लानिंग के साथ होती है। तो मतलब ये घटना मुझे हमेशा हमेशा मोटिवेट करती है, जो लोग इंश्योरेंस के बारे में नहीं समझते उनको बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए।